साइड कराइए ना, मुंह सीधा रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मर्तबा दुरूद ए पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अरे लका है, लगन है, दुनिया ही मगन है, चाहत है, लगन है,
सरकार आ गए, दिलदार आ गए, गमखार आ गए, लजपाल आ गए। सरकार आ गए, दिलदार आ गए, गमखार आ गए, लजपाल आ गए। जब पीर का दिन आया, तारीख हुई बारह, पिया चांद तराया, फरिश्तों ने मबरूक कहा सबको के आज हुआ पैदा जो शाह जमाना। मरहबा मरहबा या मुस्तफा, खुशियों का समा है, मस्ती में जमा है, मिलाद नबी पर हर कोई फिदा है, मिलाद नबी पर हर कोई फिदा है। जुमो हमेशा हमेशा जो सरवर आलम का मीलाद मनाए, जो सरवर आलम का मीलाद मनाए, जो सरवर आलम का मीलाद मनाए, आका की हर अदा को जिंदगी में लाए, अपने नबी की सुन्नत चेहरे पे भी सजाए, गैरों की मोहब्बत को अब दिल से मिटाना है, खुशियों माशाल्लाह। अब आइए तकरीर के लिए शगुफ्ता खातून को मैं आवाज दे रहा हूं। लालोटी की रहने वाली है, कौन क्लास है? क्लास फाइव। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात सिर्फ सुनते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। आप सोचेंगे कि क्या पढ़ेगा, आप बोलेंगे नहीं पढ़ेगा कैसे? हाँ, इसलिए सुनने के लिए बोलना पड़ता है, आप बोलेंगे नहीं तो सुन नहीं पाएंगे, इसलिए आपको बोलना है। और जहाँ आपको बात अच्छी लगे आप बोलें, हौसला अफजाई करें ताकि बोलने वाले को लगे कि हम कब्रिस्तान में नहीं बल्कि इंसान के दरमियान बोल रहे हैं, है ना? हाँ। मुअज्जज आमीन, जुमला शामीन, जुमला औलमा इकराम, उस्ताद इकराम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलि व सहबी अजमईन। अम्मा बाद, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदकल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना।
और खुद तुम टुकड़े हो गए। ये जब सरकार ने तरफ वाह 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 बोले सुभान अल्लाह वाह वाह और चलिए हाजी साहब मुस्कुरा रहे हैं क्या बात है। शायद किसी के दिमाग में सवाल पैदा हो कि मैं जहां तरफ तुम क्या बात कि मक्का शरीफ के मुहम्मद अभी अलैहि सलातो सलाम अल्लाह ताला के नबी और उनके दोस्तों को मानना फर्ज है तो उसका जवाब ये कि चंद काफिर इंसान और जिन्नात को छोड़कर बाकी आलम की सारी चीजें मैदान इसलिए मरकज में जाया जाता है जहाँ हुजूर का जलवा दिखाया जाता है जहाँ हुजूर का जलसा सजाया जाता है बगैर लाठी का शैतान भगाया जाता है और जो आती है नजदीक सुन्नी बस्ती में रजा के बल्ले से छक्का लगाया जाता है रजा के बल्ले
पहले से छटका लगाया जाता है। मोहतरम स्वामी निग्राम बहुत हो बहुत हो। अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला इशारा फरमाता है के महबूब लोगों से कर दो कि अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो तो अल्लाह तबारक व तआला दोस्त बना रखेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, आप इंसानों का जानो अफकार का जायजा लीजिए तो मालूम होगा कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है, इंसान जिसको चाहता है, उसकी हर बात अच्छी मालूम होती है। इसीलिए तो रब तबारक व तआला इंसानों से फरमाता है कि इंसान अगर तू मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता है तो सबसे पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। मोहतरम सामी निगरान, अगर आप रसूल को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो अदाए रसूल को अपनाना होगा। अगर आप रसूल को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो लिबास रसूल को अपनाना होगा। अगर आप रसूल को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो रसूल के हर कौल और फ़ाइल को अपनाना होगा। मोहतरम सामी निगरान, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी मोमिन कामिल नहीं बन सकता जब तक मुझे अपने और अपने वालिदैन से ज्यादा महबूब ना समझे। मोहतरम सामी निगरान, अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं अपने दोस्तों अहबाब से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर आप ईमान वाला बनना चाहते हैं तो अपने वालिदैन से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर आप कामिल मोमिन बनना चाहते हैं तो अपने रिश्तेदारों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। तो हद ये हुआ कि अगर रसूल को अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो अपने जान से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का सलाम किसी को गुलामी से आजादी मिल रही है तो किसी को तख्त और ताज का मालिक बनाया जा रहा है तो किसी को जन्नत में जाने की खुशखबरी दी जा रही है और दुनिया देखा भी एक निगाहे करम मक्के के सरजमी पर चलते फिरते मुर्दों को जिंदा किया, सिर्फ जिंदगी ही नहीं बख्शी बल्कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जलालत बख्शी, हजरत उस्मान अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सखावत बख्शी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शुजाअत बख्शी और ईमान का ऐसा नमूना बना दिया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया पेश नहीं कर सकती। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ करते करते क्या देखते हैं कि खाना काबा मुंह के बल आ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे अब तो खाना काबा की दीवारें रेजा रेजा हो जाएगी, दीन टूट जाएगी, गरीबी के आलम में खाना काबा की तामीर किस तरह की जाएगी। अभी तो खाना काबा खड़ा था, अचानक ये क्या हो गया है कि खाना काबा मुंह के बल आ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे अब तो खाना काबा की दीवारें रेजा रेजा हो जाएगी, दीन टूट जाएगी, गरीबी की आलम में खाना काबा की तामीर किस तरह की जाएगी। अभी तो खाना काबा खड़ा था, अचानक ये क्या हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब ये सोचकर खाना काबा से बाहर आते हैं तो एक लोड़िया से मुलाकात होती है, उस लोड़िए ने कहा आज हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक पोता पैदा हुआ है, कसम खुदा के मुसलमानों। अरे अब्दुल मुत्तलिब उस लोड़िए की जुबान सुनना सुनना था कि पूरे मक्के वालों ने ऐलान कर दिया, ए मक्के वालों सुनो सुनो, काबा काबा गिरा नहीं हुजूर के बारगाह में हाजिर होते अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हमने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, या रसूलल्लाह हमने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। इतना फरमाना था, कहते जिब्रील अलैहिस्सलाम की जुबान खामोश हो जाती है, हमारे प्यारे आका इशारा फरमाते हैं ए जिब्रील ये ए जिब्रील और आगे क्यों नहीं बताते और आगे क्या हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जानते थे अगर मैं नबी के उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा करूंगा तो नबी के आंखों से सैलाब आ जाएगा, नबी का घर बेकार बदल
जाएगा, नबी का चैन बेचैन में बदल जाएगा। हमारे प्यारे आका इशारा फरमाते हैं, ए जिब्राइल ये तो बता क्या हमारे उम्मत को जहन्नम में देखा या नहीं देखा। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को मजबूरन अर्ज करना पड़ता है, या रसूल अल्लाह मैंने भी आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा। कसम खुदा के मुसलमानों, हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम की जुबान से इतना सुनना था कि नबी की आंखों से सैलाब आ जाता है, नबी का दार बेकार बदल जाता है, नबी का चैन बेचैन बेचैन बदल जाता है, मदीने के गलियों में सुना छा जाता है। जब एक सहाबी रसूल को पता चलता है तो सहाबी रसूल ढूंढना तलाश करना शुरू करता है, जो मदीने की गलियों में छान डालते हैं, लेकिन नहीं मिलते। जब नहीं मिलते तो सहाबी रसूल रोते रोते जंगल में पहुंच जाता है, तो जंगल में एक चरवाहा बकरिया चराया करता है, तो चरवाहे से सहाबी रसूल ने पूछा, ये चरवाहे ये तो बता क्या हमारे नबी को देखा है, क्या हमारे रसूल को देखा है, क्या हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा है, क्या नूरानी चेहरे वाले को देखा है। तो साहब चरवाहे ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नबी कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा रसूल कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नूरानी चेहरे वाले कौन है, मुझे नहीं पता। वहां से बेकार से उस सहाबी रसूल आगे बढ़े तो कुछ देर के बाद उसी चरवाहे से मुलाकात होती है, तो उस चरवाहे ने कहा, ए सहाबी रसूल मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नबी कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा रसूल कौन है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नूरानी चेहरे वाले कौन है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है कि झाड़ी के पीछे कोई ऐसा फुट फुट के दौड़ रहा है जिसकी डरवाली आवाज सुनकर मेरी बकरियां ने चरना बंद कर दिया है। कसम खुदा के मुसलमान, सहाबी रसूल ने सोचने लगा, ऐसा कौन हो सकता है, हमारे नबी ही होंगे, हमारे रसूल ही होंगे, हमारे रसूल ही होंगे। वहां से सहाबी रसूल चरवाहे को शुक्रिया अदा किया और वहां से दौड़ पड़े। दौड़ने के बाद हमारे सरकार से मुलाकात हो जाती है, लेकिन क्या देखते हैं कि हमारे सरकार का सर मुबारक सजदे में झुका है। कसम खुदा के मुसलमानों, आप लोग ने बहुत से सजदे देखे होंगे, लेकिन हमारे नबी का सजदा इतना ही निराला है, हमारे नबी का सजदा इतना ही नटखट है, हमारे नबी का सजदा इतना ही अनोखा है। अरे जमाने के लोग ने सजदा किया तो सजदे में अपने सुभान रब्बी अला अला है, तो उस्मान बिन रज़ी अल्लाह तआला ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बी के अला पढ़ा, हजरत उस्मान हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बी के अला पढ़ा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बी के अला पढ़ा, हजरत ख्वाजा खाजा मदीन की शेरमतुल्लाह तआला अजमेरी ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बी अला पढ़ा, हजरत इमाम अहमद फाजिल बरेली ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बी अला पढ़ा, किसी मुफक्किर का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी हाफिज का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी मौलाना का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी तलबा का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी हाफिज का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी बच्चा का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी नमाजी का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी हाजी का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी गाजी का सजदा सुभान रब्बी अला, किसी नमाजी का सजदा सुभान रब्बी अला, हमारा सजदा सुभान रब्बी अला, आपका सजदा सुभान रब्बी अला, इसका सजदा सुभान रब्बी अला, उसका सजदा सुभान रब्बी अला। कसम खुदा की नबी से लेकर आज तक ने जिस लोग ने सजदा किया तो सजदे में सब लोग ने सुभान रब्बी अला पढ़ा, लेकिन हमारे नबी ने, लेकिन हमारे नबी ने सजदा इतना ही निराला है, हमारे नबी का सजदा इतना ही अनोखा है, हमारे नबी का सजदा इतना ही अटल है। अरे जमाने के लोग ने सजदा किया तो सजदे में हमें रब को याद किया, लेकिन हमारे नबी ने सजदा किया तो सजदे में अपने गुनाहगार उम्मत को याद करके बाद भाई नाम में अर्ज किया, रब्बी अपनी उम्मती, रब्बी अपनी उम्मती, रब्बी अपनी उम्मती, यानी ऐ खुदा मेरे उम्मत को हमारे हमारे और इस कदर रो रहे हैं जिसकी रोने से पर दरिया भर है। इसीलिए इमाम अल फाजिल ने बड़ी इशारत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम का भी बना सर्द होगा, कि अल्लाह क्या जहन्नम का भी बना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। फमा अलैना इल बला सदा, वाईफाई ऑन कीजिए। हमने बहुत ही मदरसे का होनहार बच्चा हाफिज वाजिद अली जिसकी दस्तार बंदी होने वाली थी, लेकिन जलसा मुंतकिल होने के बाद इंशाअल्लाह दस्तार बंदी का वो पूर्ण